सो गाइस फाइनली हम लोग ने टैक्सी ले ली है एक अंकल से हमारा पाला पड़ा जो कि वो बहुत ज्यादा रूड है और अभी जिनसे हम मिले वो बहुत ही स्वीट है। हे गाइस सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज हम लोग जा रहे हैं भैया की एंगेजमेंट की शॉपिंग करने। भैया की एंगेजमेंट की शॉपिंग तो हो चुकी है बट हमारी नहीं हुई है तो अभी हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। अभी हम लोग CST CSMT पहुँच गए हैं एंड यहाँ से अभी हम लोग क्रॉफर्ड मार्केट जाएंगे। पहले थोड़ी बाबू के लिए शॉपिंग करेंगे विंटर शॉपिंग एंड देन हम लोग वहाँ से फिर मेरी शॉपिंग पहले करेंगे फिर रजत की करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से टैक्सी लेते हैं स्टेशन से बाहर निकल के फिर मिलती हूँ मैं आपसे सीधा मार्केट में। तो गाइस आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग है जो कि ब्रिटिश आर्किटेक्चर ने बनाया हुआ है। सो इसे कंप्लीट होने के लिए 9 ईयर्स लगे। 1878 में जो है ये स्टार्ट हुआ था एंड 1887 में ये कंप्लीट हुआ। तो ये 18th सेंचुरी का एंड बहुत ही वेल डिज़ाइन किया हुआ है। सो गाइस फाइनली हम लोग CSMT स्टेशन से बाहर आ गए यहाँ पर टैक्सी लेने के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वो लोग ने बनाया हुआ है पर अभी इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस था है और पहले जो है VT था विक्टोरिया टर्मिनस। तो अभी हम लोग क्रॉफर्ड मार्केट जाने के लिए टैक्सी लेते हैं जो कि अपोजिट साइड में मिलता है। सो गाइस फाइनली हम लोग ने टैक्सी ले ली है एक अंकल से हमारा पाला पड़ा जो कि वो बहुत ज़्यादा रूड है और अभी जिनसे हम मिले वो बहुत ही स्वीट है। अभी हम लोग 20 मिनट्स यहाँ से CSMT से लगता है तो 20 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। तो क्रॉफर्ड मार्केट के अपोजिट मनीष मार्केट है, दो मार्केट है तो हम दोनों जगह जाएंगे और वहां पे जाके एक्सप्लोर करेंगे और जो चीज़ें लेनी है वहीं से ले लेंगे। तो चलते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग क्रॉफर्ड मार्केट पहुंच गए हैं एंड जैसे कि हमने सोचा था कि 20 मिनट लगेंगे बट बहुत उससे कम टाइम में ही हम यहाँ पहुँच गए। सो गाइज ये रहा क्रॉफर्ड मार्केट एंड इसी के अपोजिट में जो है मनीष मार्केट है जहाँ पे आपको बैग्स के जो है शॉप मिल जाएंगे। एंड ये जो है फ्रंट गेट है मतलब यहाँ पे अलग अलग रास्ते हैं और आपको ज़्यादा अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर आपको बहुत सारे सामान जो है मिल जाते हैं। तो अभी चलते हैं बच्चे की शॉपिंग करने। सो गाइज हम लोग क्रॉफर्ड मार्केट से एंटर करते हुए ये हार्डली 5 मिनट्स वहाँ से लगे। ओसामा शॉप का नाम है एंड यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शंस थे विंटर के। एंड वन मोर थिंग गाइज यहाँ पे न्यूबॉर्न से लेके मतलब न्यूबॉर्न से स्टार्ट होके आपको बच्चे के सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर गाइज उन्होंने एक डायपर बैग दिखाया साइड से भी चैन होगा। हाँ सर साइड से ना। ये शॉप का नाम ओसामा है। सो ये क्रॉफर्ड मार्केट से स्ट्रेट है, कहीं पे यहाँ वहाँ नहीं, एकदम स्ट्रेट है। तो यहाँ पे बच्चों के सारे चीज़ें मिल जाते हैं मतलब A to Z, आपको कहीं पे यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, सीधा ये शॉप पे आइए और सब मिल जाएगा होल सेल में, कुछ MRP पे नहीं, सब होल सेल में अच्छे रिजनेबल प्राइस में। हमारा टाइमिंग क्या रहता है दुकान का? दुकान का टाइमिंग क्या रहता है? 11 to 9। हाँ हजार भी है तो अभी है ना, इसका भी नहीं। सो गाइज अब हम आ गए हैं मंगलदास मार्केट। बीच में हम कुछ शूट नहीं कर पाए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे देखिए ड्रेसेस के कलेक्शन बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ पे जो रेंज स्टार्ट है ये 500 से स्टार्टिंग है एंड बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन यहाँ पे थे एंड ये सारे डिज़ाइनर पीसेज यहाँ पे थे। तो यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स है। तो अब हम आ गए हैं एक मतलब एक शॉप पे जहाँ पे हम लहंगा देखने आए हैं एंगेजमेंट के लिए। तो यहाँ पे बहुत ही फनी सा सीन हो गया कि उन्होंने बोला हाँ हाँ हो जाएगा बट ये मेरे साइज़ का नहीं था जो मैंने पिंक कलर का लहंगा हाथ में लिया हुआ है। तो इनके पास भी सूट्स के कलेक्शन बहुत अच्छे अच्छे थे एंड इन्होंने ये जो स्टार्ट किया हुआ है लहंगे का जस्ट अभी दिवाली से ही स्टार्ट किया है। और यहाँ का एड्रेस है गाइस लवली फैशन शॉप नंबर 185।
सेकंड लेन मंगलदास मार्केट। स्टेशन से कितना दूर है? 5 मिनट्स। ओके, सीएसटी से 5 मिनट, मरीन लाइन से 10 मिनट्स। ओके, हो गया है। अभी सिर्फ रजत का पेंडिंग है, तो रजत का अभी लेने से पहले मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तो अभी हम लोग हेल्दी मसाला डोसा खा लेते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे और फिर रजत की शॉपिंग के लिए जाएंगे। तो गाइस मसाला डोसा के बाद अभी हम लोग ने मैसूर मसाला डोसा लिया और ये बालाजी मतलब शॉप का नाम है, यहाँ पे पूरी खाओ गली है ये, और ये बहुत ही टेस्टी है। मतलब इसमें सब फ्लेवर आ रहे हैं, बटर का फ्लेवर आ रहा है, बीट का है, बीट तो ऑलरेडी है इसमें, और धनिया, मतलब सब चीज़ों का फ्लेवर आ रहा है अलग अलग, जो भी इसमें मसाले डाले तो सब, और बहुत अच्छा टेस्ट है मतलब। सो गाइस फाइनली अभी रजत का भी डन हो गया है, थोड़ा टाइम लग गया कि क्या ले क्या ले, तो फाइनली डिसाइड हो गया कि जो मेरे आउटफिट के साथ मैच हो जाए। तो ये शॉप जो है वो कालबा देवी रोड पे है, नवीन शॉप का नाम है, तो यहाँ पे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, होलसेल प्राइस में जो है कुर्ता, नेहरू जैकेट, ब्लेज़र, ये सब अवेलेबल है। अगर सेम जो है आपके साइज़ का अवेलेबल नहीं है तो ये आपको स्टिच भी करके देते हैं, फैब्रिक भी आपके अकॉर्डिंग होगा, तो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, तो यू कैन विज़िट। मैं नंबर और जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, और जो मेरे आउटफिट है और जो रुद्रांश का मैंने कपड़े लिए तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, सो चेकआउट करना प्लीज़ गाइस। सो ये एक पैटर्न था और ये एक पैटर्न है, मस्टर्ड येलो है, एंड मिरर वर्क में भी यहाँ पे अवेलेबल है। सो ये एक पैटर्न है, मस्टर्ड येलो है, एंड इसमें ग्रीन में जो है ये मिरर वर्क है, तो उसमें अलग अलग आपको कलर्स मिल जाएंगे अवेलेबल। ये लखनवी कुर्ती भी इनके पास अवेलेबल है, सो यहाँ पे फिक्स प्राइस है, होलसेल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्टिच करके भी अवेलेबल अगर आपके साइज का नहीं मिलेगा तो, और ऊपर भी इनका है तो वहाँ पे शेरवानी मिल जाती है। गाइज हम लोग CSMT स्टेशन पहुंच गए, तो अभी अनाउंसमेंट चल रही है, हमारी जो ट्रेन है वो 9:04 की है, थाने की ट्रेन है, जो हम लोग को मिल गई फाइनली। हमें तो लगा नहीं मिलेगी बट फाइनली मिल गई, और पूरी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। जो रुद्रांश के जो भी हमने प्रोडक्ट्स लिए हैं, जो भी कपड़े लिए हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में पूरा डिटेल में बता दूंगी, क्या मटेरियल है सब कुछ मैं बता दूंगी। सो गाइज प्लीज वो वाला व्लॉग आप मिस मत करना, वो वाला ब्लॉग भी आप जरूर देखना जो बेबी प्रोडक्ट का होगा। सो गाइस क्रॉफिट मार्केट में आप जो भी चीजें लेने जा रहे हैं, जैसे कि वहाँ पे सब चीजें मिल जाती है, लाइट मार्केट भी वहीं पे मिलता है, सूटकेस हुआ, जो सफारी के बैग्स होते हैं, और लाइट है, डेकोरेशन का सामान, चादर, मतलब हर एक चीज आपकी जो घर में यूज होती है वो सभी चीजें आपको वहाँ मिल जाएगी, तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में गाइस वहाँ पे सामान मिलता है, और वहाँ पे जाना बहुत ही प्रॉफिट है। तो और एक जो कालबा देवी है तो वो प्रॉफिट मार्केट के आगे है, तो आप वहाँ से भी जाके सामान ले सकते हैं। तो मैं, मेरी तरफ से तो थम्स अप है गाइस, आप वहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए और प्रोडक्ट वहाँ से खरीदिए। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रांड से ख़रीदने से अच्छा है कि आप यहाँ पे जाके मतलब ख़रीदें, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एन नंबर ऑफ वेराइटी इनके पास होती है, तो आप वहाँ पर जाके सामान ले सकते हैं। सो गाइज अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स से, ताकि उनको भी सब चीज़ों के बारे में पता चल सके, और आपको जैसे अगर इस चीज़ की नॉलेज हो गई है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, बाय।